सो क्विक फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ या बना रही हूँ मैं अभी। मैंने एक ना आधा वो जो होता है ना बटर लिया एक चम्मच, और उसमें आधा स्टार एनीस, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। और ये क्योंकि मैं चिंग्स के मसाला तो यूज़ करती नहीं अब, तो बेसिक घर का ही उससे ही टेस्ट बनाती हूँ। ये गार्लिक है थोड़ा सा, आपको अदरक पसंद है वो डालें, वैसे चाइनीज़ में गार्लिक से ही काम चल जाता है। तो हरी मिर्च एक है, ये काली मिर्च भी डलेगी। 40-50 सेकेंड इसको टॉस किया। अब गाजर, क्योंकि इसको थोड़ा पक सूख होने में टाइम लगेगा, गाजर ज़्यादा मेरे पास, बीन बिल्कुल ही थोड़ी है। सो आप चाहें तो ढक के भी कुक कर सकते हैं, लेकिन मैं ढक के करूँगी क्योंकि फास्ट गैस पे होना चाहिए वैसे तो चाइनीज़ की कुकिंग, बट ये वॉक नहीं है मेरी, एक पतला सा होम सेंटर का बर्तन है इसलिए वो जल जाता है उसमें, तो मैं ढक के करूँगी। तो 2-3 मिनट लगेंगे इसको सॉफ्ट होने में, बड़ी सॉफ्ट नहीं करनी होती, क्रंची सॉफ्ट करनी है। फिर डालेंगे कैप्सिकम, और ये है मेरे थोड़े से राइस, और ये बासी सुबह के बने हो, लंच में बने हो, और डिनर में आप फ्राइड राइस बनाएं या डिनर में बने हो तो लंच में बनाएं तो अच्छा रहता है, एकदम फ्रेश भी कर सकते हैं यूज़ बोलते हैं, पर जो थोड़े बासी होते हैं उसका फ्राइड राइस ज़्यादा अच्छा बनता है। कैप्सिकम डाल के भी ढक सकते हैं, उससे जल्दी पक जाती है। ब्लैक पेपर, तो ये कुक हो चुका है, टाइम टू ऐड राइस। राइस में भी मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है, से 1.5 चम्मच सिरका डाल रही हूँ, क्योंकि सोया सॉस तो है नहीं मेरे पास, तो आजकल मैं चाइनीज अगर कुछ बनाऊँ तो मैं सिरके के साथ ही करती हूँ एडजस्ट, एक तो लेस प्रिजर्वेटिव जाते हैं अंदर, ऊपर से लगभग वैसा ही टेस्ट आ जाता है, क्योंकि मैंने उस दिन चिली मशरूम भी बनाया था, ज़्यादा फर्क नहीं लगा था मुझे, पर आप तो ज़रूर डालें। बस ये मेरी क्विक सी रेसिपी है, यमी रहती है, मज़ेदार और हेल्दी भी। सो अभी पाव भाजी की तैयारी हो रही है, बीन्स डाल रही हूँ, ये बहुत ही बड़ा कप है आपने सुबह देखा होगा, डोसे के लिए भी यही यूज़ करती हूँ, 1 से 1.25 कप, तो ये 1.25 कप बीन्स हैं। बैंगन है जो कि पानी में रखे थे क्योंकि काले हो जाते हैं फिर बहुत ज़्यादा, आलू थोड़े ज़्यादा हैं, 1.5 से 2 कप ही होंगे, 1.25 कप हैं ये वाले भर के, थोड़ी सी गाजर क्योंकि ये वाली गाजर थोड़ी मिट्टी, गोभी पहले कीड़ा देख लें फिर उबालें जरूर इसको, बहुत प्रिजर्वेटिव होते हैं इसमें पानी में थोड़ी देर, और अब भर के पानी डालेगा इतना कि सब्जी कवर हो जाए, बस नमक डालूंगी और इसको सबको बॉईल कर दूंगी। तीन से चार सीटियाँ लग जाएंगी, गमछा भी प्रॉपर ले लिया मैंने अपना, अब हम तैयारी करते हैं। 3 से 4 सीटियाँ लग जाती हैं इसमें, सब्जियों को इतना भी वैसे करना नहीं चाहिए, मतलब प्रेशर को खानी नहीं चाहिए, पर आज मैं 5-6 महीने बाद बना रही हूँ, मिट्टी के बर्तनों में कुक करना चाहिए, पर इसमें इतनी स्लो कुकिंग हो रही है, ये बिरयानी बाय किलो से मिला था, तो आप मेरे को सजेस्ट करना कौन सा अच्छा होता है मिट्टी का बर्तन, कर देना सजेस्ट, कोई लोग सजेस्ट ही नहीं करते, बताओ पता है तो शेयर करना जरूर कौन सा अच्छा बर्तन होता है। वैसे तो बोला जा रहा है अमेजोन पे रिव्यू पड़े मैंने मिट्टी के बर्तनों के, कि खुद जाके शॉप से लो, सिंपल जो क्ले शॉप्स होती हैं तो ये अच्छा मिलता है, ये तो डबल रेट पे बेचते हैं और अच्छे भी नहीं होते। इसमें मैंने हांडी उस दिन चिकन भी बनाया, चावल डीप बन जाते बट डबल टाइम लग रहा है डबल, तो इनमें कुक करो तो सबसे हेल्दी, तो इस ये रीज़न है कि पाव भाजी अब बहुत कम बनती है मेरे घर में, वैसे मुझे घर की सबसे स्वाद लगती है। तो कल ही मेरा बटर भी ख़त्म हुआ है तो थोड़ा घी में करना पड़ेगा, वैसे भी 1 चम्मच ही डालना है मैंने। सो अब तैयारी कर लेते हैं इसकी चॉपिंग की, खुद करनी पड़नी थी तो
उसको बहुत टाइम लगना था पर ये ले लिया है। ये मैंने यूज करना ही छोड़ दिया था अभी जब रिसेंटली बिग बाजार गई थी, बहुत ही टाइम बाद 8-9 महीने बाद निकले थे हम फरवरी और जनवरी में थोड़ा सा और फरवरी में थोड़ा सा 2-4 दिन और उसके बाद फिर वही हालत होगी। फिर मार्च से आई थिंक बिल्कुल नहीं निकले हैं कि फरवरी एंड से बिल्कुल ही नहीं निकले हैं, 2-4 बार निकले हैं मतलब पूरे 1-1.5 साल में। तो ये ले लिया था शुक्र है। तो अब मैंने रिसेंटली 2-4 दिन पहले ये यूज़ करना चालू किया, आदत ही छूट गई थी इसको यूज़ करने की, तो आज तो पावर जीवन में ज़्यादा जॉब करना पड़ेगा इसलिए इसको यूज़ कर लेती हूँ। पर 100 दिन जो इनका हाथ कटा था तो इससे कटा था इसलिए भी डेंजरस लगती है ये यूज़ करना, धोते धोते पता नहीं चलता, मैंने भी काटा हुआ इससे एक बार। थोड़ा ऊपर ही रखते हैं क्योंकि हुनर को ऐसी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, थोड़ा अच्छी जगह पर रखते हैं कि उसका हाथ ही ना लगे। हाँ जी ये देखना इसका मास्क क्यों पहना है घर में, हम सब्जी वगैरह उठाते भी हैं ना जो उसी दिन आती है तो मास्क पहन लेते हैं। इस बार इतना डरे हैं, पिछली बार भी बहुत डरे थे पर इस बार तो घर पे भी मतलब धोते भी हैं तो मास्क लगा के तो ये भी पहन लेती है। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, सो 2 चम्मच घी डाला है आज मैंने, थोड़ा ज़्यादा नॉर्मल से, खूब सारा लहसुन डाल रहा है और जिंजर दोनों का पेस्ट को थोड़ा सा कर लेते हैं। आराम से 2-3 अनियन है बड़े छोटे मिला के और अच्छे से भूनेंगे इसको। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर और नमक। सब्जियों में भी नमक डाला था बॉईल करते वक्त तो थोड़ा ध्यान से ही डालना होता है, और ज़्यादा मसाले इसलिए नहीं डाले क्योंकि पाव भाजी मसाले में बहुत ज़्यादा नमक होता है। हुनर को बिना पाव भाजी मसाले के देंगे इसलिए थोड़ा थोड़ा सा डाल दिया। मसाले को होने देते हैं और डालेंगे उसके बाद बॉइल्ड वेजीज, उसका पानी भी नहीं फेंकूंगी, थोड़ा थोड़ा उसी से वो भी इसमें डालूंगी क्योंकि उसी में सारा न्यूट्रिशन होता है, तो थोड़ा थोड़ा पानी भी डालूंगी। सो ये कुक्ड है, मेरे को थोड़ा थोड़ा सा ऐसे अच्छा लगता है, बिल्कुल घुला मुला नहीं, थोड़ा थोड़ा खड़ा खड़ा, ऐसे मैंने कोची में एक बार खाया था, थोड़ा ना खड़ा था मसाला, जैसे बॉम्बे स्टाइल में तो बिल्कुल ही ऐसे पेस्ट टाइप होता है ना, वो मुझे ठीक ठाक लगता है, थोड़ा थोड़ा मुँह में आए दाने वैसा अच्छा लगता है। तो अब ये भर के वेजीज है, बहुत गर्म है, डाल देते हैं। और हुनर का निकालने के बाद पाव भाजी मसाला ढक देती हूँ, थोड़ा सॉफ्ट और हो जाएगा फिर मैं मैश करूंगी, नीचे हो जाएगा थोड़ा। तो पाव भाजी की आन बान और शान, एवरेस्ट का पाव भाजी मसाला स्पॉन्सर्ड नहीं है, मेरे को यही वाला अच्छा लगता है, मैंने कोई और भी यूज़ किया था पता नहीं कौन सा वाला, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया और यही वाला करती हूँ मैं। तो कोई पूछ रहा था हेल्दी वैसे पाव भाजी, आपकी सारी रेसिपीज बहुत हेल्दी होती है, सियाली भी पूछ रही थी तो आप पाव भाजी की रेसिपी भी दो हेल्दी। तो मैंने इसमें ना इतना सा बीट रूट भी डालना था, ज़्यादा नहीं डाल सकते क्योंकि वो ओवर पावर कर देता है टेस्ट को, तो उससे बहुत ही लाल कलर आता है, उससे रेड रेड कलर भी आएगा, मिर्ची कम डलेगी और
हेल्दी तो आप ऐसे ही बना सकते हैं कि बटर वगैरह कम डालें, जैसे मैंने 1 से 1.5 चम्मच घी डाला है, बस लोग ठोक ठोक के डालते हैं, तो बाकी तो आपको बता ही दिया कितना हेल्थ है, न्यूट्रिशन कितना है इसमें या क्या है, पानी भी उसका जरूर करें जिसमें सब्जियों को उबाला है। मोस्टली लोग इसको फेंक देते हैं, तो वो पहले ही डाल रही हूँ मैं, क्योंकि अभी मैं मसाला भर के डालूंगी। मसाला भी अगर घर में बना सकते हैं तो बनाएं, ये देखिए इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, रेसिपी भी मिल जाएगी आपको, तो मेरे पास तो टाइम नहीं था। 1 बड़ा चम्मच, 2 बड़े चम्मच तो आराम से डलेंगे इसमें, काफ़ी है क्योंकि आप देख सकते हैं। तो बच्चों को तो ये मिर्ची लगती है, तो उसको घर का ही मसाला, मतलब थोड़ी सी मिर्ची, हल्दी और ये ही है, थोड़ी सी लाल मिर्च, वो तो सारे में थी तो वो तो क्या ही आई होगी, और बस उसको पाव दे देंगे, ऊपर घी डाल देंगे, बटर है मेरा ख़त्म। बालकनी 4-5-6 बजे से बैठ जाते हैं, 8-9 मतलब 10-11 बजे तक बालकनी में ही होते हैं, इतनी आवाज़ आती है वहाँ, क्योंकि ये सारा बंद बंद है। तो अभी यहाँ की भी जाली मंगा ली है, वो भी लगवा लेंगे। तो अभी खाना खाने का टाइम है, चलो शाम को तो मैंने सब्जी वगैरह सब अंदर ही काट ली, हालत तो देखो है ना, इतना जाम है, तो आपकी तो नहीं हो रही होगी घूमने में अगर आप भी रहते हैं तो, क्योंकि ये बंद है सारा, आपको रीज़न बता दिया, जाली वाले स्लाइडर नहीं है। तो क्या हुआ कि इतना बड़ा बूंद जो ब्लैक वाला होता है, ब्लैक वाला देखा हो आपने, क्या नाम उसको बोलते हैं मुझे नहीं पता, इतना ऊपर से गिरा, मैं हुनर को दूध पिला रही थी, शुक्र है हमारे सर पर नहीं गिरा या इसके सर पर नहीं गिरा, और मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाई, इतना बड़ा ब्लैक बूंद की क्या गिरा, इतनी आवाज़ आई, तो मुझे लगता है ईगल या किसी ने तो उसको फेंका ऊपर से, किसी के हाथ में होगा या मुँह में होगा, यही मेरे को आइडिया लग रहा है। तो तब से वो मैं पढ़ा है बड़ा सा, तो अभी इनको बोला खाना खाना है भाई, फेंक के आओ अभी कैसे भी, तो एक बार ट्राई मार के आओ, ये ट्राई मार के आए। मैंने क्या किया ना, उसको झाड़ू से पहले उसको उठाने लगा मैं, तो झाड़ू के साथ में जो होता है वो फटका सा उसके साथ में लेके करने लगा, तो उसमें इतनी पावर थी, टॉर्क थी कि वो चलने लग पड़ा, और फिर वो सीधा होने लग पड़ा, फिर से टेढ़ा करके आया उसको, फिर मैंने दिमाग लगाया मैं कि अभी इसको लेके जाना है तो इसको कुछ उठा के ही फेंकना पड़ेगा सीधा, तो उठा के तो ऐसे तो होगा नहीं, फटाफट उड़ जाएगा, वो सीधा हो जाएगा, उड़ने लगेगा पर इतने बड़े बड़े, तो उसको सीधा एक अमेजोन का ब्राउन थैली थी उसको ऐसे टेढ़ा वेढ़ा करके लिया और ऐसे झाड़ू मारा, सीधा अंदर घुस गया वो इतने बड़े थैले में, वो थैला उठा के पूरा 6th फ्लोर से नीचे फेंक दिया मैंने, तो एक अंकल नीचे जा रहे मुझे उनके बाजू से ऐसे थैला गिरा, अभी पता नहीं क्या कर, देख रहा होगा, गाली दे रहा होगा कि भाई कौन था, तो देगा ही ना ये क्या बदतमीजी, अब उसमें कीड़ा था ना इतना बड़ा, एक मूवी थी कमल हसन की, पोटी को गिफ्ट बैग में रैप करता रहता था, म्यूट मूवी थी कोई खोल लेगा तो उसको क्या भूड मिलेगा, बोलेगा वाह कहीं जीन तो नहीं निकल आया, भूड भी लगा उसको। सो ये बता रही थी मैंने जो लिए हैं, होल वीट पाव द बेकर्स डजन 100% होल वीट ऑनेस्ट डो नो प्रिजर्वेटिव, तो प्रिजर्वेटिव नहीं है, बट एक तो दिख रहा है मेरे को INS 1100 लो ट्रीटमेंट एजेंट, वो इम्प्रूवर होता है तो वो भी शायद थोड़ा बहुत तो प्रिजर्वेटिव हुआ, बट बाकी बेटर है, कनोला ऑयल है, शुगर है और आयोडाइज सॉल्ट है, तो शुगर की जगह मिश्री पाउडर यूज़ किया होता तो और भी हेल्दी हो जाता, बट ये बेटर है इसलिए मैंने ये वाले ऑर्डर किए। सो एक में थोड़ा सा अंदर की साइड घी लगा लिया मैंने, तो एक को तो ऐसे ही रखूँगी क्योंकि ऑलरेडी इनमें भी ऑयल होता है, तो बस ऐसे ही, क्योंकि कितना कर लोगे ना ये चीज़ों में, ज़्यादा ऑयल खा जाते हैं हम, ये पता नहीं ये सब्जी खाएगी कि नहीं खाएगी, सुबह से ही उसने देख लिए थे तो बस यही करी जा रही थी, ओनली ये खाऊंगी ओनली ये, बच्चों को ब्रेड्स वगैरह अच्छी लगती हैं पता नहीं क्यों।